हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग जमाइकर और ब्लॉग्स। सो गाइस, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं ऊपर, ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट से और ऑफिस के लिए निकलते हैं। 9 बज चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट फटाफट चलते हैं, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। सो गाइस, ऊपर आ चुके हैं और नितिन भी रेडी हो चुके हैं नहा धो के। और ये तो पता नहीं क्या सीरियल देखते रहता लेडीजों वाले। कौन सा सीरियल देख रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता? अपना रिश्ता तो देखो पहले, और क्या, पहले घर के रिश्ते फिर बाहर के रिश्ते। सारा दिन नाटक में बिजी रहता है गाई। सारे लेडीज वाले नाटक इससे दिखवा लो, इतनी मर्जी दिखवा लो। कहानी घर घर की, कभी बहू भी कभी सास बनेगी, कभी कसौती जिंदगी की। गाइस, पुराने 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 वो देखता है नाटक बैठ के। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, आप चलते हैं फटाफट। महिला भी रेडी हो रही है, महिला को भी लेके चलते हैं फटाफट से। महिला को भी ड्रॉप कर देंगे ऑफिस और हम भी अपना ऑफिस चलते हैं फटाफट से, मंदिर से होते हुए डायरेक्ट ऑफिस। देखते हैं क्या काम धाम हो रहा है, चल के पता चलेगा। तो वहीं पर तो मेरा चले फिर, और जल्दी फटाफट, आपके मेकअप खत्म हो गए तो हम लोग जा सकते हैं। आ जाओ जल्दी फटाफट, मेरा ऑफिस भी आ चुका है, मिला को ड्रॉप कर दिया। बाय मिला, मिलते हैं शाम को। ओके, बाय बाय। तो गाइस, हम लोग निकल चुके थे ऑफिस में दोनों भाई, और ये इनसे मिलिए। ये है हमारे बिजनेस पार्टनर, इनका नाम है वरुण, नाम तो सुना ही होगा। सो गाइस, तो बिजनेस कॉल के लिए एक बार हम लोग जा रहे थे टाटा मोटर्स तक, तो कुछ प्लानिंग चल रही है, आपको बताएंगे आने वाले टाइम पे। तो उसी के लिए विजिट करने जा रहे हैं एक बार टाटा मोटर्स, कोई कमर्शियल व्हीकल वगैरह है, कोई लॉन्च हुई है, तो सोचा कि एक बार चल के देख लेते हैं। वहाँ से कॉल भी आई थी, तो देखते हैं गाइज, निकल चुके हैं, अच्छा लगा। तो बुक बुक करेंगे या नहीं लेंगे वो बात की प्लानिंग है सारी, जाके देखते हैं एक बार। गाइज देखो, प्रणिका रेडी हो चुकी है डांस क्लास के लिए। तो प्रणिका को अब क्या क्या लेके जाना है? शूज़ कहाँ है आपके? वाइट शूज़ पहन लो, फिर अभी न्यू डील लगा के लाऊंगा। ओके, चलो फिर वाटर बॉटल लो जल्दी से। कहाँ वाटर बॉटल उठाओ? एक पापा की गाड़ी में पड़ी है, लेके आऊं? कैसा रहा आपका बेटा डांस क्लास? मजा आया बेटी को? हाँ बताओ, तो बता तो रही है, थम्स अप। तो अच्छा लग रहा है ना आपको? आप जाओगे ना आप डेली डेली? बट आप स्माइल तो कर नहीं रहते अभी, आप में एनर्जी नहीं है बेटा, एनर्जी भी तो लेके आनी पड़ेगी ना। एनर्जी मम्मा के साथ आती है, पन्ना को है ना। तो गाइस, घर पे आ चुके हैं राजू भैया, वैसे तो हमारे चाचा लगते हैं पर हम इन्हें राजू भैया बोलते हैं। गाइस, ये आए हैं गुड़गांव से, तो ये दादी के सिस्टर के बेटे हैं। तो ये गाइस पहले हमारे साथ ही रोहिणी में रहते थे, पर ये अभी मतलब 5-7 साल पहले ये गुड़गांव में शिफ्ट हो गए हैं। और हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे ना गाइस, तो हम ज़्यादातर इन्हीं के घर पे रहते थे, इन्हीं के यहाँ खेलते थे कूदते थे। तो बुआ, मतलब बुआ बोलते हैं जो साथ में भैया की सिस्टर वगैरह हैं, तो दीदी मतलब उनको दीदी बोलते हैं। तो हम लोग बहुत इंजॉय करते थे बचपन, हमारा इन्हीं के यहाँ रहता था, बहुत अच्छा लगता था गाइस, मज़ा आता था। तो भैया हाय कर दो सबको, हाय कर दो। गाइस देखो, प्रणिका यहाँ रूम के अंदर बॉल से खेल रही है। बाबू लग जाएगी, कहीं टीवी टूट जाएगा, सुन रहे हो? इधर आओ फटाफट, आओ पापा वो खिलाएंगे ब्रेड और चाय। गाइस चाय और ब्रेड आ चुकी है यहाँ पे, दादी लेके जाएंगे बाप की बॉल। ओके, सो फाइनली गाइस, अपने घर में गेस्ट वेस्ट आए हुए हैं, तो मनीला और ज्योति बिजी हो चुके हैं अब खाना वाना बनाने में। तो पापा भी आ चुके हैं, पापा वहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं किचन में जाए एक बार मनीला बुला लीजिए, जैसे मैं हेल्प करूँगा मनीला की। है मनीला, हेल्प करने के लिए बुलाया आपने मुझे? हाँ, हेल्प के लिए बुलाया, बटर चाहिए। क्या चाहिए? बटर? हाँ। पापा लेके नहीं आए बटर? नहीं। गाइस अब जाना पड़ेगा नीचे, या तो मैं तरुण को बोलता हूँ नीचे से लेके आता है, या मुझे जाना पड़ेगा बटर लेने के लिए, देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कसिनो, और इतना शोर मचा रहे हैं गाइस, ये बाहर तक इतनी वॉइस आ रही है, तुमने पूरा कसिनो यहीं पे खोल दिया, जैसे बाहर तक शोर आ रहा तुम लोगों का इतना। बूट क्या होता है आपको पता है? बूट क्या होता है? गाइस पापा भी आ चुके हैं, पापा भी खेलने के लिए बैठ गए, और नितिन भी और राजू भैया भी, अनिक भी साथ में बैठी हुई है, और दीपिका भी, सब लोग देखो यहाँ यहाँ जाए। गाइस जबरदस्त चल रहा है यहाँ पे कसिनो, खुला हुआ पूरा, ठीक है तुम लोग इंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ बाहर।
गाइस देखो बहुत बढ़िया गेम आ चुकी है यहाँ पे, मार्केट में पैसा ही पैसा आ रहा है गाइस। देखो लग रहा है तगड़े, कुछ तगड़े पक्के पत्ते नजर आ रहे हैं मुझे तो यार। शो हो गई गाइस, गई शो हो गई, बस इतने में बाजार ढीला हो गया, इतने में बाजार ढीला हो गया गाइस। क्या चाल है गाइस, पत्ते शो करो, पत्ते दिखाओ, सात आठ नौ, और तेरे भैया कितने? वाह गाइस ये गेम थी गाइस। गाइस देखो नितिन और दीपिका तो खेलते खेलते थे, पापा को भी बिठा लिया और भैया भी, और मुझे लग रहा है भैया ही विन कर रहे हैं। भैया कितना पैसा आपके पास, शो कर दो एक बार, बहुत पैसा गाइस भैया के पास। देखो भैया विन कर रहे हैं और तेरी बहुत भारी है गाइस। तो गाइज एक्चुअली आपको मैंने पहले भी बताया था कि अपने घर में प्रोग्राम्स हैं, तो मम्मा पापा की भी एनिवर्सरी, चाचा चाचू की भी एनिवर्सरी है, तो आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं अभी, तो सभी गेस्ट्स को सभी रिलेटिव्स को इनविटेशन कॉल जारी है कि किस डेट पे आना है और क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं। गाइज आप लोगों को पता चल जाएगा टाइमली, जिस दिन भी होगा वो डेट भी आपको पता चल जाएगी और क्या प्रोग्राम्स रहने वाले हैं, सब आपको टाइम टू टाइम आपको सब अपडेट मिलती रहेगी और आप देखना बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। हम लोग आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं गाइज, तो बने रहें व्लॉग्स के अंदर, डेली व्लॉग जरूर देखें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, आपके प्यार की बहुत जरूरत है इस चैनल पे गाइस। गाइस चाचा आ चुके हैं घर पे और प्रणिका ने दप्पा कर दिया चाचा को, हगी तो करी नहीं, आप कहते मैं हगी करूंगा चाचा को, दादू को जल्दी करो हगी फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। गाइस प्रणिका ने चाचू को हगी कर दी, छोटे दादू को, इतनी देर से वॉइस मार रही थी आपको, छोटे दादू छोटे दादू छोटे दादू, डराने के लिए प्रणा। गाइस देखो प्रणिका अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के सबको सबको खिलवा रही है। ये आउट, आउट प्रणिका आउट हो गई। आउट हो गई प्रणी, पकड़ लिया था भाई प्रणी ने, पकड़ लिया था जो कैप करेगा वो आउट होगा इस बार, ठीक है? ओके ओके चलो वाह। गाइस प्रणिका पूरी गेम होस्ट कर रही है यहाँ पे, सबको प्ले करवा रही है, हगी कर ली प्रणिका ने, ये देखो प्रणिका पूरी गेम होस्ट कर रही है, सबको खिलवा रही है, एंजॉय करवा रही है घर पे बैठे बैठे कि सबके साथ खेलो 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 मेरे साथ खेलो। तो फाइनली गाइस डिनर आ चुका है, डिनर में बने पुलाव और दाल बनी है और कुछ भी बना है, अब दिखाते हैं आपको, तो डिनर करते हैं, सब लोग आ चुके हैं, अब नितिन और भैया नीचे गए हैं, चाचा चाची बैठे हैं डिनर कर रहे हैं और आ जाए वो भी, तो साथ में मिलकर करते हैं इस फटाक से डिनर करते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 9:45 हो चुके हैं गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया डिनर क्योंकि एंजॉय कर रहे थे, गेम वेम खेल रहे थे, बातें साथे हो रही थी, तो डिनर विनर करते हैं। तो गाइस डिनर टाइम, तो डिनर करते हैं सब फटाफट से, अभी नितिन और भैया आके फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो 11:30 बजे पड़े हैं और प्रणिका अभी तक सोई नहीं है, छुट्टी है प्रणा, निन्नी नहीं आई ना आपको? गाइस हम लोग भी बैठे हैं 11:30 बजे तक, सब लोग बैठे थे तो हंसी मजाक हो रहा था, अभी तक सही मजे आ रहे थे गाइस, राजू भी अभी आए थे वो भी चले गए, और अब बैठे इतनी देर से हंसी मजाक हो रहा है, बहुत टाइम बाद एक साथ बैठे थे तो बहुत मजा आ रहा था गाइस। तो टाइम भी 11:30 बजे हो चुके हैं और मेरा बेटू देखो पापा को चॉकलेट नहीं दे रहा, दे दो बेटू प्लीज, एक वन और दे दो ना प्लीज, इतनी सारी दिखाना कितनी सारी आपके पास, ओ बेटे चौकोस टाइप है ये, तो एक दे दो, थैंक यू, सबको शेयर कर करके खाते हैं ना, दे दो ना पनी, दादू मांग तो रहे हैं, दे दो, क्यों दे दो यार, अच्छे होते हैं। कल स्कूल की छुट्टी है आपकी? चलो ओके गुड नाइट बाय। गाइस चाचा चाची जा रहे हैं, बाय गुड नाइट। सो गाइस डिनर वगैरह भी कर लिया था, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हुआ, बातें साथ ही हुई, मेमोरीज जितनी थी वो मतलब रिकवर हुई, तो पुराने दिन याद करे, तो बहुत इन्जॉय किया गाइज। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइज, आई होप आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो गाइज, तो इस व्लॉग को क्या करना है बेटा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए
बाय बाय।